गाइस, राम राम, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी लोगों को स्वागत है आप ही के चैनल फर्स्ट डे स्कूल में। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ आज का एक और ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा फनी वीडियो को रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है सेटिंग बाजी की WWE। तो आप सभी को पता ही होगा अभी अभी यार अमित भड़ाना जी का एक नया सा वीडियो आया है। और आप सभी को ये भी बात पता होगा अमित भड़ाना जी का वीडियो कैसा होता है, कितना मजा आता है उनका वीडियो देखने में। और मैं उनका नेपाल से बहुत ही बड़ा फैन हूँ, हमेशा से ही उनको फॉलो करता हूँ आया हूँ, हमेशा से ही उनका वीडियो देखता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना उनका वीडियो को आप सभी के सामने मैं देखूं और आप सभी का मनोरंजन भी बनाऊं। तो दोस्तों, आप में से कोई भी बंदे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। साथ ही साथ यार आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम का जुड़ने में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे से बातें कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं नेपाल से हूँ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे यार दोस्त कहते हैं प्यार मोहब्बत एक धोखा है, मैं कहता हूँ नहीं बेटे, ये तो एक मौका है अगर संभल कर चले तो। कुछ गर्लफ्रेंड्स मुगैम्बो की तरह होती हैं, बिना बात के ही खुश हो जाती हैं। रिएक्शन देखिए भाई उनका। और कुछ गर्लफ्रेंड्स बागबान की औलाद होती हैं, कितना भी कर लो कोई एहसान नहीं कराया आगे, जो जोर जोर से हाथ हिला रहे हो, पूरे 3 मिनट लेट हो। आपके क्या कहने, आपको जैसे प्लेटिनम के गहने, ये कब तक सड़क छाप के रहते रहोगे यार। मंगल बाजार से लिया 25 का, अगली बार शनि बाजार से लेके दे दूंगा 40 का। इससे ज्यादा ना मैं कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती तुमसे, उम्मीद खुद बुरा मान जाए कि तुमने किससे उम्मीद करती है। मैं आया तो था जबान केजरी बनने, पर इसने सारे मूड का आटा माजी सटकली कर दिया। मैंने तो तुम्हारा ये मंगल बाजार का खिलौना मंगल ग्रह में पहुंचाती हूँ। महिलाओं की ना बड़ी इज्जत करूं मैं, वरना इसे अभी ना तेरी नाक में घुसेड़ देता। अरे मर गया रे। लक्ष की बहन लक्षा, रोमांटिक सॉन्ग चला दो। कौन सी वाली गर्लफ्रेंड के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग यार। भाई मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, ऐसी फीलिंग तो मुझे भी आ रही है तेरे आने के बाद। पता नहीं क्यों यार अमित बड़ा जी को देखते ही हंसी आता है मुझे। सैड म्यूजिक लगा दे तू, अब बोल। अब बोलने को रह ही क्या गया है, वो तो मेरी केयर ही नहीं करता, टाइम स्पेयर ही नहीं करता। ये तो सुना सुना सा लग रहा है। यो यो ही तो प्रॉब्लम है भाई, मेरी कोई वैल्यू ही ना बची यार। पता है कितना कुछ करूंगा उसके लिए। क्या करा उसने आज तक मेरे लिए? एक दिन बोल के गया था अभी भी हमने प्यार ही नहीं किया, मैगडी के नाम पे एमटीडी मतलब मक्के के दाने खिला दिए। उसकी सेहत का इतना ध्यान रखता हूँ ना भाई मैं, लेकिन उसे तो बस सॉफ करने से मतलब है। एक दिन एक पार्टी में अपनी कार से लेके गया, वहां उसे ड्रॉप किया, दूर से चिल्ला के बोलती है हे ड्राइवर लेने आ जाना। भाई मैं ड्राइवर हूं। उसका तो कोई स्टेटस है नहीं, मेरे तो 100 में 75 कम फॉलोअर्स है ना इंस्टाग्राम पे। गाड़ी में घुमाने में जान निकलती है उसकी। जान पे खेल के जैसे तैसे अपने घर से कार निकाल के लाया। भाई तुझे मेरे पापा का पता है ना, बुगैम्बो और गब्बर का भी ताऊ है वो। गाड़ी के टायर को इंची टेप से नाप के रखे, जैसे ही थोड़ा सा घिस जावे ना मेरी पिलाई कर देवे, जैसे अभी तेरी चेली तेरी करके गई। पर वो थैंकलेस लवलेस। जी जी, अब तो बस एक ही सॉल्यूशन है। अब तो भाई बस एक ही रास्ता है, ब्रेकअप। ब्रेकअप। हेलो अमित, मुझे कल 6 बजे लुच्चा पार्क में मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। राधिका, अमित, वी आर नॉट सेम पेज, कम टू सेम पेज, बराबर हाइट पे आके बात करो। अमित, आई एम सॉरी, मैं
बहुत बड़ी गधी हूँ। वो तो तुम हो। हाँ? वो तो हो ही नहीं सकता, किसने कहा तुम गधी हो? बीच में से फाड़ दूंगा उसको मैं। किसने कहा? मैंने कभी तुम्हारे प्यार की वैल्यू नहीं की, मुझे माफ कर दो। ये फटे हुए रेडियो पे आज प्यार भरे नगमे कैसे बजने लगे? I'm sorry. आज तो बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पे राधू। वो मैं घर से निकली तो ब्रेकअप करने थी पर... हेलो, अरे बहुत हो गया यार तुम्हारा बाबू छोड़ा। काफी ज्यादा की बात आ रहा है यार मुझे देखने में, आप कमेंट करके बताओ आपको अच्छी आ रही है या नहीं। हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, कोई ड्राइवर नहीं, समझी? चलो फोन काटो। इतना लेट? मैं पूरे 193 सेकंड से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ पे। आज 2 हफ्ते में हमारे घर में पानी आया था यार, गर्म पानी, नहा रहा था बीच में आया हूँ छोड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, ज्यादा बहाने मत बनाओ, मुझे पता है तुम सो रहे थे। इतने टेंट्रम सहन नहीं करते हम। अरे तुम रहने दो यार, गर्लफ्रेंड की तरह पीछे बैठो, पैरों से ब्रेक मार के तो स्कूटी रोकती है, कभी कार कभी स्कूटी, पायलट ही बनना इन्हें। सही किया तुमने, राइट हैंड की लाइट तोड़ दी। ए, मुझे भी पसंद नहीं आई, मुझे पसंद है लेफ्ट वाली लाइट। कोई ना, टेंशन क्यों ले रही हो? पर मुझे गाड़ी चलानी कब आएगी? भगवान करे कभी क्या? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगी। हाँ भाई है, तेरे अलावा एक गर्लफ्रेंड और है मेरी, तीसरी भी बनाऊंगा, हैट्रिक करूंगा, बोल क्या कर लेगी? जाती है जा, लड़कियों की कमी नहीं है। ओ मैं क्या, हेलो है जी। अमित मेरी तो आंखें खुल गई, दुनिया में तुमसे भी बुरे बॉयफ्रेंड्स हैं। क्या कह रही है? मेरा मतलब है बहुत बुरे बॉयफ्रेंड है, तुम तो बहुत अच्छे हो ना अमित। मास्टर भी कह दे, अच्छा सॉरी, गर्लफ्रेंड भी कह दे इसे छोड़ के ना जाना, नाम है मेरा अमित बड़ाना। ब्रेकअप ने विकास सेटिंग बाजी की WWE। भाई अभी भी दुकान पे गई है? हाँ मैंने देख ली, नए जोड़े को भेज फटाफट। पार्क में एंट्री ले लिया उसने, जल्दी आओ। हम भी आगे। तो भाई कैसी लगी आपको सर्विस? कतई जहर, जो कल तक पट से हेडशॉट मारने को बोलती थी ना, आज वो झट से प्यार भरी बातें कर रही है। अच्छा सुन, ये तेरा लड़कों का कुछ नाम है? अरे भाई कर दिया ना दोस्ती का मर्डर, कॉलेज टाइम में आपके दिए आइडिया से ही ये कंपनी खोल पाया हूँ। भाई आपका काम हो गया, और क्या चाहिए? हाँ लड़के। अरे लक्ष की बहन लक्षा, जरा पार्टी वाले गाने चलियो। चला दे भाई। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो मैंने सोचा क्यों ना उंगली को टेढ़ी कर लिया जाए। खाओ जी खाओ। अबे तू भी खा ले। हाँ शाबाश लड़के। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब चीज जायज है, और वैसे भी मैं कुछ नाजायज काम नहीं करता इन दोनों की तरह। देखो अब ये नाजायज ही तो लड़ रहे हैं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओए ले, तेरे काम की चीज है, पढ़ ले, लड़ाई बाद में करियो, पढ़ ले। हाँ देख ध्यान से, सेटिंग बाजी की वावा एजेंसी ले, तेरा वॉइस ओवर भी मैंने दे दिया। सावर कर दे काम, 35 रख ले। ये रिश्ते बचाओ, प्यार बढ़ाओ, सौंफ की दुनिया से बाहर आओ, असल जिंदगी का आनंद उठाओ। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर हो गया है हमारा वीडियो खत्म। हमेशा से ही मुझे अमित भड़ाना जी को वीडियो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, और इस वीडियो में भी काफी ज्यादा मजा आया, मैं खुलकर हंसा यार। आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये भाई तो पागल हो गया है, कितना हंस रहा है, लेकिन सच में यार मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। कैमरे के सामने हूँ इसीलिए उतना खुलकर हंस नहीं पा रहा, अकेले में ये वीडियो देखता ना तो काफी ज्यादा यार पागलों की तरह मैं हंसता।
और हमेशा से ही मैं आप सभी को बताता ही हूँ, हर एक वीडियो के पीछे एक रीजन होता है, हर एक वीडियो के पीछे एक मैसेज होता है जो छिपा हुआ होता है। आपने शुरू से इस वीडियो में देखा, काफी ज्यादा मजा आया और अमित भड़ाना जी ने हमेशा की तरह लास्ट में एक मैसेज दिया हुआ है। आप हमेशा से ही यार एक बात का ध्यान रखना, आप अच्छे के तलाश करते रहते हो ना तो अच्छे लोगों को ही आप खो देते हो और अच्छे के तलाश करते करते, और आपको ये पता भी नहीं रहता कि आपके लिए कौन परफेक्ट है। तो आपको यही बात कहना चाहता हूँ यार, अच्छे की तलाश छोड़ दो, जो आपके पास है ना उस इंसान को अच्छा बनाओ, दूसरों के साथ उसको कंपेयर मत करो, दूसरों के साथ शो ऑफ मत करो। यही कहना चाहता हूँ यार, आपके पास जो चीज है, आपके पास जो इंसान है ना उसको अच्छा बनाओ, अपने पास जो है उस पर प्राउड फील करो और अपने प्यार को हमेशा से ही प्यार से रखो, केयर करो दूसरे के साथ, कंपैरिजन करके उसको हर्ट मत करो। और आप में से कौन कौन लोगों को जरूरत है सेटिंग बाजी की, WWE की, मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिल रहे हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।